आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। स्कॉलरशिप की लेटेस्ट और सही जानकारी के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत जल्द और सही इन्फॉर्मेशन समाज कल्याण विभाग की हमेशा अपडेट मिलती रहेगी। और हम लोग स्कॉलरशिप का बात करेंगे, जो हमारा आज का टॉपिक है वो टॉपिक है कि स्कॉलरशिप की डेट समाप्त हो चुकी है और नई डेट कब आएगी। बहुत से स्टूडेंट्स फॉर्म भर चुके हैं, उनके लिए तो अच्छी बात है, खुशखबरी है, परंतु अभी भी बहुत से स्टूडेंट्स फॉर्म नहीं भर पाए हैं, उनके लिए चिंता का विषय है। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि स्कॉलरशिप की डेट क्यों खत्म हो गई। तो दोस्तों, स्कॉलरशिप की डेट समाज कल्याण विभाग को इसलिए खत्म करना पड़ा क्योंकि स्कॉलरशिप छात्रों को देना जरूरी है। अभी एक राउंड का भी स्कॉलरशिप छात्रों को नहीं मिला है। तो समाज कल्याण विभाग के अनुसार उनका कहना है कि अगर हम डेट नहीं समाप्त करेंगे तो फॉर्म की स्क्रूटनी कब होगी, कब PFMS पे आएगा, NIC कब जो है डाटा वेरीफाई करेगा, तो पहले राउंड का पैसा छात्रों को दिया जाए, इसलिए स्कॉलरशिप की डेट को खत्म करना जरूरी था। क्योंकि बहुत से ऐसे हमारे कोर्स हैं जिनका रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट डिक्लेयर है, तो वो तो स्टूडेंट्स फॉर्म कम से कम भर ले, उनको पैसा तो मिल जाए। तो इसलिए समाज कल्याण विभाग ने डेट दिया कि ताकि एंड डेट दिया ताकि स्टूडेंट्स जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दें। यदि समाप्ति का डेट न दे तो स्टूडेंट्स आलस दिखाते हैं, चलो बाद में भर लेंगे, चलो कल भर लेंगे, चलो परसों भर लेंगे। लेकिन जब अंतिम तिथि की बारी आई तो जल्दी जल्दी छात्र छात्राओं ने अपना फॉर्म भर लिया। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि स्कॉलरशिप की नई डेट बढ़ेगी कब। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, डेट स्कॉलरशिप की जरूर बढ़ेगी, उसका रीजन है और कई कारण है। अगर हम आपको कारण गिनाना चाहें तो आप लोग समझिए कि BEd का जो है 6 राउंड एडमिशन होता है, 6 राउंड में 4 राउंड खत्म हो चुका है। अभी 5वां राउंड जिसको बोलते हैं पूल काउंसलिंग, उसका एडमिशन प्रोसेस में है। तो वो छात्रों का स्कॉलरशिप फॉर्म कैसे भरा जाएगा यदि डेट नहीं बढ़ेगा तो। ऐसे पॉलिटेक्निक है, 10 चरण है पॉलिटेक्निक के, तो 8 चरण का तो एडमिशन हो चुका है, परंतु अभी भी 2 चरण का एडमिशन प्रोसेस में है, तो उनको भी फॉर्म भरना है, तो उनका भी एडमिशन ही नहीं हुआ है, तो फॉर्म कैसे भरेंगे, इसलिए डेट बढ़ना जरूरी है। और हम बात करें लखनऊ विश्वविद्यालय, इतना बड़ा विश्वविद्यालय है, वहां पे अभी भी एडमिशन प्रोसेस में है, तो उनके छात्र कैसे फॉर्म भरेंगे, इसलिए डेट बढ़ना जरूरी है। अभी रिजल्ट आया है MEd का, मास्टर ऑफ एजुकेशन, उसका रिजल्ट अब आया है, अब काउंसलिंग शुरू होगी, तो वो भी छात्र फॉर्म भरेंगे। ऐसे अगर देखा जाए तो यूपी में अपने जो विश्वविद्यालय, कई विश्वविद्यालय हैं, वहां पे तमाम ऐसे कोर्स हैं जिनका एडमिशन प्रोसेस में है। CTUT ले लीजिए, उसका एडमिशन प्रोसेस में है। तो ऐसे कई कोर्स है, तो आप लोग धीरज रखें, परंतु अपना फॉर्म और पेपर, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये भरी बात आप समझ लें और रखे रहें अपने पास इकट्ठा करके। जैसे ही समाज कल्याण विभाग की नई डेट आती है तुरंत आप फॉर्म भरना शुरू कर दें, क्योंकि 1 चरण का पैसा अब आएगा, 1 डेट समाप्त हो चुकी है आपकी, अब आपको जो है अगली डेट मिलेगी फॉर्म भरने के लिए। तो आपके पास अगर डॉक्यूमेंट तैयार है तो आप स्कॉलरशिप का फॉर्म जल्दी भर लेंगे। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि स्कॉलरशिप की डेट अवश्य बढ़ेगी, और हम लोग समाज कल्याण विभाग से भी निवेदन करेंगे, अपने उत्तर प्रदेश सरकार से भी निवेदन करेंगे कि स्कॉलरशिप की डेट जल्दी से जल्दी बढ़ाएं।